टॉप 5 ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने फ्री फायर पूरी तरीके से क्विट कर दिया एंड उन्होंने जो है अपने चैनल को सेल भी कर दिया। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 5 यूट्यूबर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने चैनल सेल कर दिया पूरी तरीके से। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन्होंने जो है अपना चैनल सेल क्यों किया, आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गया था जिसके कारण जो है उनको चैनल सेल करना पड़ा। एंड गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि आपका एक फेवरेट यूट्यूबर भी हो सकता है इस लिस्ट में। टॉप 5 नंबर लिस्ट में जो गाइस यूट्यूबर आता है, ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त है, ठीक है। एंड इसका नाम है Binit777। जी हाँ गाइस, इस बंदे को आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे बंदे हैं। एंड ये जो है बंदा है फ्री फायर के फनी वीडियोस डालता था। इसका चैनल ग्रो होने से लेकर एंड तक, ठीक है, मैं इसके साथ ही था, मतलब हमेशा, ठीक है, मतलब बहुत ही पुराना दोस्त है मेरा, बोल सकते हैं आप लोग। एंड यस, ये पहले स्टार्टिंग टाइम से मेरे साथ है एंड इसने जो है चैनल मेरे को पूछ कर ही सेल किया है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इसके लाइफ में। एंड प्रॉब्लम क्या था गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था स्टडीज के रिलेटेड, इसीलिए जो है ये फर्दर स्टडी जो है अपने पैसों से करना चाहता है एंड इसीलिए जो है अपना चैनल सेल कर दिया। एंड साथ ही साथ गाइस ये जो है पढ़ाई पे भी फोकस करना चाहता है पूरी तरीके से अभी के टाइम पे, क्योंकि अगर ये इसका यूट्यूब चैनल रहा एंड यूट्यूब देखता रहा देन गाइस इसको जो है पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, इसका ये कहना था। एंड इसी वजह से गाइस ये जो बंदा है Binit777, ठीक है, इसने जो है अपना चैनल सेल कर दिया। जिसको सेल किया वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है, मतलब इसका सेल कराने में भी गाइस मैंने काफी ज्यादा हेल्प किया है। तो यस, इस बंदे ने अभी के टाइम पे चैनल अपना सेल कर दिया पूरी तरीके से। और 4 नंबर लिस्ट में गाइस यूट्यूबर आता है, इसका नाम है गुची डेनियल, ठीक है। आप में से काफी सारे बंदे इनको नहीं जानते होंगे अभी के टाइम पे, क्योंकि ये जो है पुराने प्लेयर है, पुराने यूट्यूबर है, ठीक है, ये अभी के टाइम पे इतने ज्यादा चर्चे में नहीं है, ठीक है। एंड यस, नए ऑडियंस जो फ्री फायर के है वो भी इनको नहीं जानता होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है रीजनल पुशर था पहले, ठीक है, मतलब पुश करता था जब भी रैंक सीजन स्टार्ट होता था तो ये पुश करते थे एंड उस टाइप का कंटेंट ये डालते थे, गेम प्ले के रिलेटेड डालते थे, ठीक है, कभी कभी टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाल देता था। अभी के टाइम पे अगर आप गाइस इनके चैनल पर जाके देखोगे तो कोई और ही बच्चा जो है स्ट्रीम कर रहा होता है, ठीक है, मतलब खेल रहा होता है, तो आई थिंक सो उन्हीं को जो है ये सेल कर दिया होगा चैनल। एंड एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को नहीं पता कि क्यों आखिरकार गुची डेनियल ने चैनल सेल कर दिया, बट यस गेस कर सकता हूं मैं थोड़ा सा कि कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होगा। एंड यस, अभी फ्री फायर में उतना ज्यादा स्कोप नहीं है जितना पहले था, तो इन सब रीजन की वजह से गाइस डेनियल ने भी शायद से छोड़ दिया होगा, ठीक है। लेकिन हाँ गाइस, ये भी वन ऑफ द बेस्ट ओल्डेस्ट प्लेयर था। टॉप 3 नंबर लिस्ट में जो गाइस यूट्यूबर आता है, ये काफी ज्यादा बड़ा यूट्यूबर है। जी हाँ गाइस, इनके जो है सब्सक्राइबर 3 मिलियन से भी ज्यादा था, ठीक है, लेकिन गाइस इन्होंने जो है अपना चैनल सेल कर दिया पूरी तरीके से। एंड इनका नाम है एफ अकी टॉक। जी हाँ गाइस, ये बंदा जो है इसने अपना चैनल पूरी तरीके से सेल कर दिया अभी के टाइम पे। मतलब उस चैनल का नाम जो है एफ अकी टॉक से बिकू गेमिंग कर दिया है। इनका चैनल सेल करने के पीछे गाइस एक बहुत ही बड़ा इमोशनल स्टोरी छुपा हुआ है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। बेसिकली हुआ ये था कि उनके पिताजी ने किसी से तो कर्ज लिया था, मतलब कुछ रुपए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है वो बंदा जो है मतलब आ गया था उसी दिन जिस दिन ये बंदा जो है मतलब एफ अकी टॉक घर पे गया था। एंड उसी दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा बेइज्जती टाइप हो गया उनके पिताजी को एंड वही जो है एफ अकी टॉक ने देखा एंड उनको जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ का कि मतलब वो अपने पिताजी का हेल्प नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए गाइस उसी को देखते हुए गाइस उन्होंने जो है अपना चैनल सेल कर दिया एंड जिस बंदे से कर्ज लिया था उनके पिताजी ने उस बंदे को दे दिया पूरा पैसा, ठीक है। तो यस, इसी के कारण जो है उन्होंने जो है अपना चैनल सेल कर दिया पूरी तरीके से। मतलब बेसिकली शॉर्ट में बताऊं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था बहुत बड़ा। एंड ये काफी ज्यादा गुड स्टेप था मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई जब आपके फैमिली में प्रॉब्लम आ गया हो इतना बड़ा, ठीक है, तब आप चैनल के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है, क्योंकि भाई फैमिली नहीं रहेगा देन आप चैनल को लेकर क्या करोगे। ऑब्वियसली भाई मतलब इनका पिताजी को हेल्प करना ये बेस्ट डिसीजन था मेरे हिसाब से, चैनल तो बाद में भी खड़ा कर लेंगे, ठीक है। एंड यस, इन्होंने जो है एक दूसरा चैनल भी बनाया जिनपे अभी जो है 1.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है। यस, आप लोगों को क्या लगता है बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन। ओके, तो भाई टॉप 2 नंबर लिस्ट में जो गाइस यूट्यूबर आता है जब अपना चैनल भी सेल कर दिया, इनका नाम है गॉड गेमिंग ऑफिशियल। आपके आप में से काफी सारे बंदे गाइस इनको जानते भी होंगे क्योंकि ये बंदा जो है मतलब न्यू यूट्यूबर ही था, ठीक है, इतना ज्यादा पुराना यूट्यूबर नहीं था। एंड ये अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड कंटेंट डालता था एंड जब इन्होंने जो है अपना चैनल सेल करा उससे पहले मेरे को भी पूछा था कि कोई कस्टमर है क्या, ठीक है। उस समय में मेरे को भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इंटरेस्टेड हो चैनल खरीदने में, बट मैं आपको बता दूं इनके चैनल पर उस समय बहुत ही अच्छा व्यू आता था, मतलब 3-4 लाख व्यू आ ही जाता था उस समय पे जिस समय पे उसने जो है अपना चैनल सेल करा, ठीक है। एंड आप सेल करने के बाद उस चैनल का नाम है TSC अनुराग, बट गाइस जो व्यू आते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गया अभी के टाइम पे।
क्योंकि गाइस इन्होंने भी मेरे को बताया था कुछ प्रॉब्लम है इनका भी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गया था फैमिली में ही इनका। तब देखो ये बोल भी रहे थे कि उनको जो है अर्जेंट पैसा चाहिए, मतलब ठीक है अर्जेंट चाहिए, मतलब अभी के अभी चाहिए, इस टाइप का सिचुएशन हो गया था। बट मैंने इनको बोला भी था कि भाई जो है तुम कमा सकते हो इजीली, तुम्हारे व्यू भी अच्छा आ रहे, तुमको स्पॉन्सरशिप से एक महीने में तुम जितना अमाउंट मांग रहे हो उतना अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, मैंने इनको बोला भी था। बट ये बोले कि भाई मेरे को बहुत अर्जेंट है, मेरे को अर्जेंटली चाहिए पैसा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो यस, तब गाइस कोई और ऑप्शन भी नहीं था आई थिंक सो इनके पास, एंड इनको जो है फाइनली अपना चैनल सेल करना पड़ा। तो यही स्टोरी था गॉड गेमिंग ऑफिशियल का। अभी हम बढ़ते हैं टॉप वन नंबर लिस्ट में, जो गाइस यूट्यूबर आता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर है, आप में से काफ़ी सारे बंदों का फेवरेट यूट्यूबर भी होगा ये, एंड इसका नाम है अल्फा फ्री फायर, ठीक है। पहले चैनल का नाम था अंकुश फ्री फायर, लेकिन गाइस यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी के बाद नया चैनल बना लिया, एंड अल्फा फ्री फायर ने जो है वही चैनल रख लिया जिसमें जो है 5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, ठीक है। एंड लिटरली गाइस ये बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आप देखोगे, ठीक है, फ्री फायर में यहाँ पे। एंड यस, इनका कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा सही था क्योंकि ये गेम प्ले डालते थे, बस गेम प्ले में व्यूज़ आना मतलब बहुत सही बात है फ्री फायर कम्युनिटी में, ठीक है। एंड यस, इनको जो है गेम प्ले के रिलेटेड ही इनको सब्सक्राइबर बढ़े थे, तो यस मेरे को जहाँ तक लगता है सेल नहीं करना चाहिए था, बट इन्होंने जो है सेल कर दिया इन्होंने अपना चैनल। एंड इन्होंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी बोला हुआ है कि ये जो है फर्दर में मतलब आगे फ्यूचर में कोई भी चैनल नहीं बनाने वाले हैं। को दिखता है कि कोई भी बंदा अल्फा फ्री फायर के नाम से वीडियो अपलोड कर रहा है, गेम प्ले अपलोड कर रहा है, तो समझ जाना कि फेक चैनल है वो, ठीक है। एंड यस, इन्होंने जो है अपना चैनल सेल क्यों करा इसके पीछे को तो कोई भी मेरे को रीज़न नहीं पता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस किया है इनके चैनल पर। जब इन्होंने सेल किया उसके बाद ही एक जो है प्रमोशन रिलेटेड जो है यहाँ पे अपलोड हो गया, वो जो है कि भाई मतलब कोर्स खरीदो या चैनल बढ़ाओ, ठीक है। मतलब ये अलग बंदे का ही वॉइस था, अल्फा का वॉइस नहीं था वो, ठीक है। मतलब जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो जिसको सेल किया उसका वॉइस था वो, एंड उसने जो है उसने भी एक ही वीडियो डाला, ये डाला है कि भाई हमने जो है ये चैनल इतने मतलब दिन में ग्रो किया है, आपका चैनल भी ग्रो कर देंगे, एंड आप जो है यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। इस तरीके से ये होते नहीं क्या एड्स वगैरह आते हैं यार यूट्यूब में बहुत सारे, ठीक है, जो वादा करते हैं कि आपका चैनल ग्रो कर देगा, तो उस तरीके से जो है इसने प्रमोशन डाला था उस चीज़ का। एंड एक कोर्स बेच रहा था, एक कोर्स का कीमत आई थिंक 40-50 हज़ार रुपये था, ठीक है, मतलब 30 हज़ार के ऊपर ही होगा मेरे हिसाब से, इतना मैंने नोटिस नहीं किया। बट हाँ, आप लोगों का इस क्या लगता है बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड यही वीडियो लास्ट अपलोडेड अभी के टाइम पे, एंड उसके बाद से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, ठीक है। जिसने लिया आई थिंक सो वो भी बंदा नहीं डाल रहा है क्या कोई भी वीडियो, तो यस आपको क्या सोचते हो भाई इसके बारे में बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप गाइस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। एंड हाँ, मेरे से बात करने का मन हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को। तब तक के लिए गाइस मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक बाय, लव यू ऑल।